विपक्ष के पास में कहने के लिए शब्द नहीं है वो निशब्द है बाजपुर में विकास हुआ लेकिन खोखला विकास हुआ किसान अपने अधिकारों की भी बात करते हैं और किसान अपने भविष्य को भी देखेंगे झाड़ू चलेगा और बहुत अच्छे से चलेगा यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है डिग्री कॉलेज है कहीं पे भी टीचर्स नहीं है सरकारी अस्पताल है उसमें डॉक्टर नहीं है मात्र रेफर सेंटर बन के रह गया है पिछले ग्यारह दिन से हमारे बाजपुर में मृतक आश्रित बेचारे भूख हड़ताल पे बैठे थे एक भी भाजपा का कार्यकर्ता भी जाके उनके पास नहीं बैठा अल्ट्रासाउंड मशीन अल्ट्रासाउंड मशीन है यार चलती है मोदी जी ने कहा था डबल इंजन लगा दो सारी सुविधाएं हो जाएंगी मगर सच्चाई ये है भी साढ़े चार साल जो पहला इंजन था वो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ युवा खाली ऐसी बैठे बैठे आपकी सरकार में देखने की वैकेंसी आए सबसे ज्यादा धांधली आपकी सरकार में लाइव पेपर चल रहा था वहाँ पे नकल चल रही थी नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौर आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया किस्सा कुर्सी के खास कार्यक्रम में आज पहुंचे हम बाजपुर विधानसभा सीट सीट पर यह इसलिए भी हॉट है क्योंकि कहा जा सकता है कि कुमाऊं मंडल की सबसे हॉट सीटों में इन्हें गिना जाता है क्योंकि यहाँ से विधायक है यशपाल आर्य जो की भाजपा में मंत्री थे लेकिन अब उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस में एक बार वो फिर शामिल हो गए लेकिन बड़ी चीज ये है कि इसके बाद क्या बाजपुर की जो जनता है वो उन्हें अपना प्यार 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखाएगी या फिर इस बार उन्हें विदा कर देगी कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस सीट के क्या है मायने और साथ ही यहाँ की जनता क्या इस बार फिर से यशपाल आर्य पर भरोसा करती है और इस समय उन्होंने कितना विकास कार्य इस विधानसभा सीट पर किया है लेकिन उससे पहले आपको जनता से भी मिलाते हैं क्योंकि हमारे साथ यहाँ कई लोग मौजूद हैं जो बताएंगे कि विधायक जी ने क्षेत्र में कितना काम किया इसके साथ ही हमारे साथ प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद है अगर भाजपा से बात कर ली जाए तो भाजपा से हमारे साथ हैं गौरव शर्मा जी जो कि यहाँ अपना नेतृत्व रखेंगे और बताएंगे कि कितना विकास कार्य हुआ या नहीं हुआ इसके साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र वेदी जी सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आम आदमी पार्टी जो पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है दीन दयाल सिंह जी और साथ ही हमारे साथ किसान नेता भी यहाँ मौजूद है जगत राम बाजवा जी जो बताएंगे की किसान की क्या खास चीजें हैं किस तरीके से जो किसान हैं वो यहाँ अपनी पकड़ रखते हैं कुल मिला के कहा जा सकता है शुरुआत की जाएगी सबसे पहले कांग्रेस से सर आपके टीम में अब यशपाल आर्य जी पहुंच चुके हैं आप बताइए कितना विकास कार्य उन्होंने सीट पर किया था ये जब 2012 से लेके 15 पंद्रह यहाँ कांग्रेस सरकार थी हरीश रावत मुख्यमंत्री थे उस समय काफी विकास हुआ था क्योंकि उससे पहले निशंक सरकार बीजेपी सरकार थी यहाँ खनन के चलते सारी सड़कें खत्म हो चुकी थी तो हरीश रावत जी ने पूरा अपार धन दिया था यहाँ पे पूरा विकास हुआ है और ये पिछले जो पाँच साल आए हैं उससे फिर स्थिति जो यहाँ की सही नहीं है कांग्रेस विकास करती है और आज तक जो भी स्ट्रक्चर सारा जो आज जनता जिसको देख रही है जिसका लाभ मिल रहा है वो कांग्रेस के हाथों ही हुआ है तो आपने यशपाल आर्यजी को ले लिया जब उन्होंने विकास नहीं किया तो किस महीने में आपने उन्हें वापस अपने पास बुला लिया नहीं वो तो कांग्रेस के ही थे कोई तो उन... थे क्यों थे वो तो उनकी अपनी निजी कोई दिक्कतें होंगी वो तो वही जान सकते हैं हम उसमें क्या बताएंगे नहीं, क्या क्या निजी दिखते है एक तो वो टिकट दो मांग रहे थे हाँ। आप कितने मांग रहे हैं आपके पास कांग्रेस में एक टिकट का ही प्रावधान है इस बार बेटे को नहीं या तो उनको या बेटे को नहीं वो देखो उस समय अब, अब क्या ये तो बड़े नेताओं की बात है क्या बात हुई है क्या पॉलिसी उसमें ये हम क्या जाना उसमें मतलब ये माना जाए कोई डील के साथ वो आप फिर शामिल हुए नहीं वो तो भाजपा से दुखी होकर आए हैं और क्या है चलिए भाजपा से दुखी होकर आए सर आप बताइए कितना विधायक जी ने यहाँ काम किया हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं होता है हमारे यहाँ पर सदैव पार्टी बड़ी होती है और पार्टी के द्वारा पिछले पाँच वर्षों में जब हम लोग दो हज़ार सत्रह में सरकार बनाने की ओर अपना कदम बढ़ा रहे थे तो यहाँ भ्रष्टाचार और यहाँ लूटपाट यहाँ गुंडागर्दी गोलियों की यहाँ पर आवाज़ सुनाई पड़ती थी उसके बाद में पार्टी का जो निर्णय हुआ पार्टी ने एक व्यक्ति विशेष को यहाँ पर जिनको आपने जिनका नाम अभी लिया उनको टिकट दिया और पार्टी के द्वारा जो भी योजनाएं हैं जो भी लाभ इस भाजपा विधानसभा को देना चाहिए था उसको हर तरीके से सड़क हो शौचालय हो पानी हो या मूलभूत आवश्यकता हो और उससे बढ़ चढ़ कर भी जो भी योजना की स्वीकृति देनी चाहिए थी वो भाजपा सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कार्य होना चाहिए था इस विधानसभा विधायक जी ने सारे काम किए हाँ भारतीय जनता पार्टी ने विधायक जी ने विधायक जी ने हाँ विधायक जी ने भारत जनता पार्टी की नीतियों पे और उनकी योजना को यहाँ पर क्रियान्वयन करवाया तो फिर वो यहाँ से चले क्यों गए पार्टी क्यों छोड़ दी कहा तो ये जा रहा है कि काम नहीं किया इसलिए सीट बदलने के चक्कर में उन्होंने पार्टी छोड़ दी आ, मैं अपने न्यूज वर्ड के जो आप हमारे सम्मानित भाई हैं मैं थोड़ा ये कहूंगा कि आपका यहाँ स्वागत है थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा होमवर्क करने की आवश्यकता है ये तो कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पर काम नहीं हुआ सिवाय हमारे विपक्षी मित्रों के अलावा काम तो इतना हुआ है कि विपक्ष के पास में कहने के लिए शब्द नहीं है वो निःशब्द हैं और कहने वाला जो भाव आपने कहा कि यशपाल जी क्यों चले गए वो तो जग जाहिर है कि क्यों चले गए क्योंकि लोभ लालच कभी भी किसी व्यक्ति का कभी भी मन पलट सकता है वो जाने का उनका अपना व्यक्तिगत कारण था और वही बता पाएंगे कि वो क्यों गए चलिए वही बताएंगे वो क्यों गए लेकिन सबसे पहले हम किसान नेताओं से पहुंचते पूछते हैं।, हैं सर आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही उत्तर प्रदेश में भी और यहाँ भी अब आप किस तरीके से देखते हैं कि किसान जो चीज़ चाहता था उत्तराखंड में वो उनको मिला देखो किसानों की जहाँ तक स्थिति है ए, किसानों को अगर कुछ मिला होता तो आज वो सड़कों पर नहीं आते ना तो लंबे समय से किसानों की जो समस्याएँ हैं उनके प्रति किसान इस बार जागरूक हुए हैं और ये इस आंदोलन की कह लो या इस मूवमेंट की कह लो किसान आंदोलन जो चला है उससे अब किसान अपने अधिकारों की भी बात करते हैं और किसान अपने भविष्य को भी देखेंगे भाजपा सरकार के बेहतर काम कर रही है इस विधानसभा सीट पर देखो अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें इस विधानसभा के संबंध में तो हम जहां बैठे हैं यहां ये यह कार्यक्रम चल रहा है तो मेरे भाजपा के मित्र बैठे हैं उनसे जरा सरकारी अस्पताल की स्थिति पूछ लो कितने डॉक्टर हैं यहां पर क्या हालात है और इसी से पता चल जाएगा कि भाजपा के मित्रों ने या भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने कितना काम किया है कितना चिंतन है और बाकी साथी और बैठे वो बताएंगे आपको मैंने तो एक ही विषय बताया उस पर आप पूछ लेना अभी की बाजपुर हॉस्पिटल की क्या स्थिति है सर एक और सवाल विधायक जी पार्टी बदल देते हैं क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि को इस तरीके से लगातार पार्टी बदलनी चाहिए देखिए लोकतंत्र में ये सारी स्वतंत्रताएं हैं इसीलिए बदलते हैं बात बात इस पर नेता पार्टी बदलता है बात स्वीकारता की है कि लोग उस पार्टी बदलने को स्वीकार करते या नहीं करते मेन तो जनता जनार्दन है ना सबसे महत्वपूर्ण तो ये जनता तय करेगी कि उनकी पार्टी बदलने को जनता पसंद करती है करती है या नहीं जनता पसंद करेगी आम आदमी पार्टी आप पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं क्या लगता है आपका झाड़ू चल पाएगा इस सीट पर सर झाड़ू चलेगा और बहुत अच्छे से चलेगा और जितनी भाजपा कांग्रेस की गंदगी राजनीतिक गंदगी है वो सारी साफ होंगी इस बार और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपने भाई से पूछा कि भाजपुर का विकास बाजपुर में विकास हुआ लेकिन खोखला विकास हुआ मैं आज बाजपुर की बात करूंगा बाजपुर में एक मिनी स्टेडियम बना अभी दो महीने में उद्घाटन हुए हुए आज उसकी दीवार की पपड़ियां टूट रही हैं ईटें खिसक रही हैं आप जरा ये सवाल है जा रही जी, घर जाके देख लो उसमें तो 20 साल हो गए एक पपड़ियां निकल रही है बट इस दो महीने में स्टेडियम की दीवारें खिसक रही हैं वहां एक हॉल बना है जिसपे लिखा है टेबल टेनिस रूम टेबल टेनिस कोर्ट उसमें आप देखेंगे तो टेबल नहीं है उसमें बिना टेबल टेबल टेनिस खेल सकते हैं एक लिखा है बैडमिंटन कोर्ट बैडमिंटन कोर्ट में उसे खंबा नहीं है नट नहीं है कोई बच्चा बिना खंबे के बिना नेट के बिना वॉलीबॉल वोल वॉलीबॉल के बैडमिंटन वोल खेल सकता है ये विकास हुआ यहाँ पे बन गई कमीशन खा लिया गया भ्रष्टाचार खूब हुआ लेकिन विकास नहीं हुआ जनता को उसका फायदा नहीं पहुंचा जैसा बड़े भाई ने कहा अस्पताल की स्थिति आप देख लीजिए जी ठीक है आपने कहा विकास तो हुआ लेकिन खोखला विकास हुआ भ्रष्टाचार हुआ सर आपसे सवाल पूछेंगे सभी राजनीतिक दल यहाँ मौजूद हैं किसी से आपका कोई सवाल नहीं मेरा तो भारतीय जनता पार्टी से ही सवाल है कि जो ये राजनीति करते हैं और विकास की बड़े बड़े दावे कर रहे हैं यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है डिग्री कॉलेज है कहीं पे भी टीचर्स नहीं है सरकारी अस्पताल है उसमें डॉक्टर नहीं है कि मात्र रेफर सेंटर बन के रह गया है आम पब्लिक को इसकी बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं इस विषय पर ये आप भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भाई हैं उनसे जवाब चलिए सर ये तो मूलभूत सुविधाओं की बात उन्होंने की कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है शिक्षक नहीं है तो आप कह रहे हैं कि लोगों ने बेहतर विकास किया डबल इंजन की सरकार बहुत तेजी से काम करती है लेकिन विकास है कहाँ मैं इनका थोड़ा सा चाहूंगा कि अपना रुख करें यहाँ के बाजपुर की सड़कों के ऊपर करें यहाँ पानी की व्यवस्था को देखें पिछले सर उन्होंने उनका उन्हों सवाल शायद आपने सुना नहीं शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात कर रहे हो सड़कों की चिकित्सा के क्षेत्र में जितने गर्त में पिछले पूर्व में हमारा हॉस्पिटल था उसकी स्थिति को एक बार इनको दस सत्रह से देखना चाहिए कि उसके बाद में यहाँ पर जो पीछे हमने कोविड में अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो हमारा बाजपुर लक्की रहा सौभाग्यशाली रहा कि हमारे चिकित्सा क्षेत्र के सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और यहाँ इसी हॉस्पिटल में काम हुआ इनसे पूछिए वैक्सीनेशन में किसी को दिक्कत हुई क्या वो अगर वहाँ पर डॉक्टर नहीं है या फिर अन्य सुविधाएं वहाँ नहीं हैं तो वो कैसे हो गया अगर बात करें कोविड में दूसरा जब हमारी वेबसाई उस कोविड के अंदर जहाँ ऑक्सीजन सेंटर की व्यवस्था के लिए लोग परेशान थे मौत का नाम गाली नहीं है हम लोग कहीं ना कहीं एक प्रकार से ऐसी स्थिति में खड़े थे कि भाई बहन सबसे मिलने के तैयार नहीं थे बाप बेटा किसी को मिलने के तैयार नहीं था वहाँ पर आज चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे इस बाजपुर में ऑक्सीजन का प्लांट लग गया और उसके बाद में आज चिकित्सा के क्षेत्र में जहाँ आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं हम हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारा एम्स हमारे इस उधम नगर के अंदर भी बनने जा रहा है अच्छा सर अस्पताल अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं आपके यहाँ तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा लेकिन ये पता है की कि कितने हैं कुछ लगभग लगभग तो होगा लग वाला विषय तो ये है कि लगभग दो तीन डॉक्टरों की मांग अभी हमने भी किया और की हो सकता है कि सप्ताह वो हो जाए लेकिन इल... ठीक है चुनाव आते आते मांग भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव देख के काम नहीं करती तो फिर इतनी देरी में मांग क्योंकि डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं थी आपकी विधानसभा में आवश्यकता पूर्ति करते हुए चूंकि इतनी गर्त में उसकी स्थिति थी पूर्ति करते हम इस नतीजे पहुंचे हैं इस समय पर पहुंचे हैं गर्त से यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है ये हमारी जो सड़कों की उत्तराखंड की जो मिक्स की पहचान बनाई है वो भी कांग्रेस ने बनाई और कांग्रेस के समय ये सारा हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है ये बना सारी मशीनें थी और हर मरीज का मतलब रोग का डॉक्टर था ये तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने गर्त में डाला तो ये सारे ये तो आज सारा देश का जनमानस छला महसूस कर रहा है इनकी लुभावनी शब्दावली में छला गया और हर वर्ग दुखी है अब ये बाजपुर ये प्रत्यक्ष जो हमारा पहले सुजित सारे डॉक्टरों से सारी सुविधाओं से था आज ये प्रमाण है और ये सारी चीजें इसमें एक क्या कहा जाए युवा परेशान है उनसे वादे करे थे कोई भी जो इन्होंने अपने वादे करे हैं वो पूरे नहीं करे और आज सर वादे कोई भी पूरे नहीं हुए आप देखिए हमारे माननीय अध्यक्ष जी कांग्रेस से बैठे हैं मैं इनसे बड़ा इस बात से खुश भी हूं कि ये माननीय हरीश रावत जी के चाल बल चल रहे हैं उन्होंने हमारे माननीय इस उत्तराखंड के यश मुख्यमंत्री के सामने चैलेंज किया कि मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा अगर आप रोजगार के विषय में आप कोई भी आंकड़ा दें उन्होंने कहा था कि बत्तीस से ज्यादा का अगर आप आंकड़ा दे देते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा अध्यक्ष जी भी उस दिशा पर चल पड़े हैं मुझे लगता है कि एक कदम आगे बढ़ गए हैं अभी हमने सत्रह हजार तीन सौ बयालीस का आंकड़ा दिया था और चौबीस हज़ार लोगों की भर्ती प्रक्रिया हमारी जो है वो लगभग पूरी होने को है तो आप कौन सी बात कर रहे हैं आप हम बनाते हैं तो आप कहते हैं वो कांग्रेस ने बनाई पिछले पांच वर्षों में जो काम हुआ है सिर्फ वो सड़क पानी बिजली इसके अलावा इस बाजपुर के अंदर अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे किसी बालिका से पूछेंगे विद्यालय की 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 बात 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 करेंगे आप की बात करेंगे करेंगे आप आप शिक्षा स्टेडियम हमने नींव रखी है हमने उसको पूरा किया है और माननीय मोदी जी जिस काम को अपने समय में उद्घाटन जिसकी शिलान्यास करते हैं जिसका आधार रखते हैं उसका शिलान्यास उसका उद्घाटन भी स्वयं करते हैं चलिए आप कुछ कह रहे थे सर हमारे बीजेपी के जो भाई बैठे हैं ये कह रहे हैं कि युवाओं के लिए जो किया सिर्फ कागजों में किया कोई भर्ती नहीं और पिछले पिछले ग्यारह दिन से हमारे बाजपुर में मृतक आश्रित बेचारे भूख हड़ताल पे बैठे थे एक भी भाजपा का कार्यकर्ता भी जाके उनके पास नहीं बैठा भूखे प्यासे वो वो तो जब कल नौकरी अपनी नौकरी के लिए जिसमें से एक एक लड़के की बेचारे की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई तो उन्हें रेफर किया गया तो इतने बड़े बड़े यहाँ पे नेता हैं भाजपा के हमारे एक भी बंदा जाके उनके पास नहीं गया कि भी इनको कोई पहले इन्हें मुख्यमंत्री जी से इन्होंने बात करके कि हाँ भी उन्हें नौकरी दी जाएगी दो दिन का अब उन्होंने लिया है कल किसानों ने जब कहा कि हाँ भी अब किसान उनका समर्थन करेंगे तो इन्होंने धरना वो उठवा दिया गया जो रोजगार कहीं कहीं नहीं दिया गया जो रोजगार की बात भाजपा सरकार कर रही थी वो यहाँ युवाओं को अभी तक नहीं मिला ऐसा उनका कहना है देखिए बहुत अच्छी बात वो अपने मन से कह रहे हैं अपने शब्दों को उनको कहना भी चाहिए यही की प्रक्रिया है और भाजपा सरकार में सबको अपना बात कहने का अधिकार भी है जहाँ आप मृतक आश्रित का विषय आपने छेड़ा है तो मैं आपको बता दूँ कि भाई सबको शायद जानकारी नहीं है कि मान्य न्यायालय में पूर्व में एक व्यक्ति द्वारा वहां पर जाकर उसको पेंडिंग में वो विषय रखा गया था और ये सरकार पहली बार ऐसा काम कर रही है कि मृतक आश्रित वाले विषय में जो पेंडेंसी कांग्रेस सरकार ने की थी उसको पूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी सर मैं देख रहा हूँ आप जितने भी लोग सवाल पूछ रहे हैं सबसे कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं है लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताए हैं डॉक्टर कितने हैं ठीक है डॉक्टर का विषय अगर आप कहते हैं वाले विषय की जब आप बात कह रहे हैं मुझे लगता है कि दो चार पांच डॉक्टर कम होंगे और उसकी अच्छा एक्सरे मशीन है है हाँ जी बिल्कुल अल्ट्रासाउंड मशीन अल्ट्रासाउंड मशीन है चलती है उसमें हमने मांग की थी अभी मैं पूर्व में तीन दिन पहले ही मिलकर आया वहाँ पर एक व्यवस्था का अनुरूप एक व्यक्ति जिसकी हमें आवश्यकता है मुझे लगता है संभवतः दो दिन में आ जाएगी क्योंकि कुछ कारण थे ऐसे कि कुछ हम लोगों को जो इसके संबंधित जो ऑपरेटर होते नहीं मिल पा रहे थे उसको मान्य धामी कहना है और है कि किसान भूल ये भी है। लगता है किसानों के लिए अभी कोई काम करने की जरूरत है या भाजपा सरकार ने कोई बेहतर काम किया हो क्योंकि आप लोग लगातार सरकार से मांग करते हैं कि गन्ना का भुगतान नहीं हुआ और अन्य कई मांगों को लेकर आप प्रदर्शन नाराज रहते हैं तो ये कब तक किसानों के साथ दोहरा भाजपा सरकार करेगी ऐसा आपको लगता है किसानों की जहाँ तक बात है ना भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन पर देती है अभी एक भाई ने बात करी तक वाली। वो चीनी मिल के बात है तो आप कितना गंभीर होंगे ये आ, किसानों के संबंध में अभी आप कल का अखबार देखिए उसमें है कि जो आ, किसानों के गन्ने का जो सिरप बना वो नालियों में बहाना पड़ा फैक्ट्री को फैक्ट्री कभी बंद हो गई कभी चल गई अब भुगतान के लिए एक साल तो पहले हम गन्ना पैदा करते हैं फिर उसके बाद एक साल हम आंदोलन करते हैं भुगतान के लिए तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातों में सारा कुछ पूरा कर देती है बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके रोजगार भी और किसानों के लिए भी न जाने क्या कर दिया कल भी मैं एक जगह लिखा था होर्डिंग देख रहा था लिखा था किसानों को कर्जा मुक्त किया किसानों को माला माल कर दिया किसान आज भी आत्महत्या करने को मजबूर हैं किसानों किसानों ने आपसे एक, एक साल से ज़्यादा महीने दिन सड़कों पर आपने किसानों को बैठा दिया तो ये सरकार सिर्फ ये कहूं आभासी लगता है आपको सर जैसे किसान आंदोलन बड़े स्तर पर कराया गया वैसे किसान आंदोलन उत्तराखंड में भी सरकार के खिलाफ होना चाहिए तब जागेगी वो दरअसल किसान अब जागा है किसान और मजदूर अब जागा है और निश्चित रूप से अब जो जो ये राजनीतिक पार्टियां आगे अब चुनावी माहौल भी आ रहा है और इसमें सब लोग क्वेश्चन करेंगे और जो भी पार्टी किसानों मजदूरों को इग्नोर करेगी वो अब सत्ता की कुर्सी तक आने में मुझे नहीं लगता कि सफल हो पाए और बाकी एक ज़रूर मैं आपसे इस माध्यम से कहना चाहता हूँ एक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हमारी बाजपुर की जो सबसे बड़ी समस्या है उसके संबंध में हमारे डॉक्टर साहब इन्होंने एक अभियान भी चलाया था लेकिन सर भाजपा के नेता कह रहे तो स्वास्थ्य सुविधा तो इतनी बेहतर है की तो मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूँ की आप सोचेंगे की बार बार ये राजनीतिक पार्टी एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सामाजिक लोग भी इनसे आप पूछिए सर आपने कहा तो सर हॉस्पिटल को लेकर आप पहले आपसे लेते हैं सवाल मेरा नाम अरुण शर्मा है और अभी हमने कुछ दिनों पहले एक मुहिम चलाई थी सरकारी अस्पताल को लेकर के 10 दिसंबर 10 बजे 10 मिनट जिसमें बाजपुर के लगभग सभी लोगों का हमें सहयोग प्राप्त हुआ था ना केवल 10 मिनट के लिए सांकेतिक रूप से बाजार बंद हुआ था मंदिर बंद हुए थे सभी लोगों ने हमें पूर्ण सहयोग किया था आज इस मुहिम को मैं बहुत व्यथित हृदय से इस बात को कहना चाहता हूं कि आज लगभग 16-17 दिन हो गए ये 15-16 दिन मुहिम चली थी और आज तक उस पर कोई कार्रवाई की सूचना मेरे पास कम से कम नहीं है मैं कहता हूं मत दो मुझे सूचना आप वहां पर डॉक्टरों की नियुक्ति कर दीजिए आपने प्रश्न पूछा था गौरव भाई से कि कितने डॉक्टर हैं तो मैं आपकी जानकारी देता हूँ यहाँ पर कुल इक्कीस पद हैं जिस उसके डॉक्टर इस समय वर्तमान में कार्य कर रहे हैं ये तो रहे है केवल चार उसमें आठ डॉक्टर इसमें उपलब्ध है कोई कभी टीकाकरण में चला जाता है कभी किसी की सरकारी अन्य कार्य में ड्यूटी लग जाती है कभी प्रशासनिक कार्य होते हैं उसमें डॉक्टर चले जाते हैं तो कई बार उपलब्ध डॉक्टर नहीं होते है और आ, उसकी जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो वहां रखी हुई है डिजिटल एक्सरे मशीन है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा हुआ है लेकिन वो चालू नहीं है ऑक्सीजन हैं जो पॉलीप्लेक्स से दिए गए थे वो वैसे के वैसे ही जंग खा रहे हैं उसका कोई उपयोग नहीं है ऑक्सीजन पाइपलाइन पंद्रह लाख साठ हजार या कुछ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है आ, वो बिछाई गई थी लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि टेक्नीशियन नहीं है डॉक्टर्स नहीं है जो उपलब्ध होने चाहिए जो स्पेशलिस्ट होना चाहिए उपलब्ध नहीं है उसके

दुख है मुझे इस बात का कि कुछ नहीं हुआ और मैं मुझे दुख इस बात का है कि शायद हमारी या जनमानस की सरकार ने नहीं सुनी इसको लेकर के मन हमारा आज भी बहुत व्यथित है ठीक सर जवाब ले लेते हैं आपका सर आपने कहा केवल चार डॉक्टरों की आवश्यकता है पद 21 हैं डॉक्टर 8 हैं जिसमें से वीआईपी ड्यूटीज और अन्य ड्यूटीज और अन्य ड्यूटी जाए तो तीन से चार डॉक्टर अस्पताल में मिलते हैं जो बेहतर उपचार लोगों को नहीं दे पा रहे और महिला डॉक्टर तो आपके जिले में है ही नहीं तो विकास किया कहा आपने स्वास्थ्य विभाग में आपने कहा कि स्वास्थ्य में बेहतर काम किए कहाँ है वो बेहतर काम जैसे कि हमारे बड़े ही सम्मानित अरुण शर्मा जी भाई साहब ने बोला कि महिला डॉक्टर नहीं है तो यहाँ डॉक्टर मधु माथुर जी हैं प्राइवेट हैं नहीं नहीं सरकारी में ही बैठी हुई हैं आप उनको मिल सकते हैं मैं नंबर भी उनका दे दूंगा इनको बाद में और दूसरा विषय रहा कि भाई चौबीस घंटे काम करती हैं चौबीस घंटे की जो एक हॉस्पिटल की व्यवस्था होती है उसमें वो करती हैं अच्छा जो एक डॉक्टर की जिस तरीके से एक व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के अनुरूप ही वो काम करती हैं दूसरा विषय रहा कि हम चिकित्सा के क्षेत्र में सिर्फ लोगों को आगे बढ़ाते हुए और बड़े क्षेत्र में काम करना चाहते हैं हमने आयुष्मान कार्ड के साथ साथ हमने फैसिलिटी दे दी कि अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की व्यवस्था अगर अच्छी नहीं लगती है आपको लगता है कि वहां नहीं आप जाना चाहते हैं तो हमने एक ऐसा आयुष्मान कार्ड उत्तराखंड सरकार ने पहली बार ऐसा वो किया है व्यवस्था की है कि पांच लाख रूपये तक का आपका बीमा आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर उसका लाभ ले सकते हैं लेकिन है। सर आपको है कि, कि, कि उस 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 आयुष्मान कार्ड का ये है कि यदि प्राइवेट अस्पताल में जब इलाज तब होगा जब बीमारी की जानकारी आपको मिल जाएगी डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट में आ जाएगा यदि आपकी कोई गंभीर बीमारी नहीं आती है तो आपको पूरा भुगतान करना पड़ेगा चाहे वो एक लाख हो चाहे दस लाख हो तो उसके लिए क्या है जहाँ आपने जांच के विषय कहा उसमें मैं बहुत ही आ, खुशी के साथ ये बात कर सकता हूँ कि हमारे इस उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस जिले से निकलने के बाद पूरे प्रदेश में एक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत गंभीर और एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया कि भाई आप डॉक्टर के पास जाने से पहले इस बात से चिंतित रहते थे, थे कि जांच कराते समय हम कहां से पैसा लाएंगे क्योंकि जांच में भी एक बहुत बड़ा झोल झोलझाल का कई बार शंका लोगों से द्वारा जताई जाती थी ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दो तीन नहीं दो सौ सात जांचें भी निशुल्क कर दी गई हैं और वो भी हमारे इस देश के हमारे उत्तराखंड के माननीय धामी जी ने किया है और बात जहां चलती है आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तेरह से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डायलिसिस का कारण हो चाहे पंद्रह हजार से ज्यादा लोग कैंसर वाले लोग हों या अन्य बड़ी बीमारी से मैं पूरा आंकड़ा गिनवा सकता हूँ उन इस आयुष्मान कार्ड से ही लाभ ले रहे हैं बाजपुर हॉस्पिटल का कुछ नहीं होगा नहीं बिल्कुल होगा मैंने पहले कहा कि गर्त से इस स्थिति को निकालते हुए सिर्फ इस हॉस्पिटल को नहीं हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की जब बात करते हैं तो पूरे प्रदेश की चिंता करते हैं चलिए ठीक है आपका चिंता लोग बता रहे हैं किस तरीके की सर आप कुछ कह रहे थे भाजपा के मित्र जमीनी हकीकत पे बात ही नहीं करते आंकड़ों पे बात करते हैं इस अखबार में उस न्यूज पे वहां देख लो मैं बाजपुर की स्थिति बता दूं आपको कोरोना अपने पीक पे था हर जगह ऑक्सीजन की कमी हो रही थी हर मोहल्ले से लाश निकल रही थी उस समय जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो बाजपुर गुरुद्वारा कमेटी ने एक मुहिम छेड़ा कि हम यहाँ ऑक्सीजन लंगर प्रोवाइड करेंगे भाजपा ने एसडीएम को भेज दिया कि इसको बंद कराओ वहां एसडीएम इस पहुंची इसको बंद कराओ उसके बाद पूरी भाजपु जनता इकट्ठा हुई उसमें हमारे किसान सभी सवी बाजवाज भी थे और पूरी जनता इकट्ठा हुई उन जनता ने कहा कि अगर आप सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन लंगर नहीं खोलेंगे तब तक हम यहाँ से बंद नहीं करेंगे उसके बाद जैसे तैसे करके दो दिन तीन दिन बाद सरकार ने किस तरीके से करके कुछ अरेंजमेंट करा वो भी नहीं चला तो भाजपा की स्थिति ये है कि अगर कोई अच्छा काम हो उसको बंद करा देते हैं ये हमेशा जनता को टॉर्चर करते हैं और कुछ नहीं करते चलिए टॉर्चर करने का, का काम भाजपा करती है आप कुछ कह रहे थे हैं हाँ। ये हमारे भाई हैं चलो बातों चीतों से बतेरा ढक रहे हैं मगर सच्चाई ये है भी यहां पे जो मोदी जी ने कहा था वो डबल इंजन लगा दो सारी सुविधाएं हो जाएंगी मगर सच्चाई ये है भी साढ़े चार साल जो पहला इंजन था वो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ फिर उसके बाद में दूसरा सेकंड बदला वो भी फेल तीसरा अब ये जो ये पुष्कर सिंह धामी की वाहवाही कर रहे हैं इनसे ये पता करो वो कितने दिन के हैं और कितने दिन के लिए हैं तो आज जो सच्चाई है अभी पाँच साल व्यर्थ गए पब्लिक के तो हर तबका खाली एक हॉस्पिटल नहीं हर क्षेत्र में पब्लिक अपने को छला महसूस कर रही है और इनसे निजात चाहती है चलिए भाजपा से निजात चाहती है ये छात्र कुछ कहना चाहते हैं आप आपका कोई सवाल मेरा गौरव भैया से एक सवाल है कि पुष्कर सिंह धामी ने अभी कुछ दिन पहले पुलिस की वैकेंसी निकाली थी सचिवालय तक तो पहुंची है परंतु अभी जनता के बीच में तो आई नहीं है हम युवा खाली ऐसे बैठे-बैठे आपके सरकार में देखना कि वैकेंसी आए और एक चीज बता दूं आप बोलते हैं कि हरीश रावत जी की सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुए थे भर्तियों के मामले में मैं आज आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ उत्तराखंड हाँ में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी आप ही सरकार में हुई थी और आप ही मुख्यमंत्री और आप ही के हर व्यक्ति बैठा था सबसे ज्यादा धांधली आपकी सरकार में लाइव पेपर चल रहा था वहां पे नकल चल रही थी आपने फिर भी वो भर्ती क्लियर कर दी जो हरीश रावत की सरकार में भर्ती हुई थी आपने उसको आज भी रोक कर दिया और उसपे आपके मंत्री श्री अरविंद पांडे जी साफ बोलते हैं कि इसमें मेरा कुछ नहीं है क्यों क्योंकि वहां पे ऊधम सिंह नगर के सबसे ज्यादा बच्चे भर्ती हुए थे और आप लोग भर्तियों के अंदर जातिवाद जातिवाद चालू करते हैं आप बाजपुर की जनता और हम जैसे युवा इस बार आपको बिल्कुल छो, छोड़ेंगे चलिए चलिए सवाल सर जब आपने कहा हम रोजगार दे रहे हैं युवा कह रहे हैं कि ना तो भर्ती भर्ती आ रही हैं लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है मैं सबसे पहले दीनदयाल जी भैस एक बात कह रहे थे मैं उनसे चाहूंगा कि वो एक बार क्षमा मांग ले उस शब्द पर जिन्होंने बोला कोविड के नाम पर किसी की मौतों को लाशों को जो बोल रहे थे वो हर गली से निकल रही थी ये शब्द मुझे लगता है कि किसी भी नेता के लिए शुभ देने वाला शब्द नहीं है आप अपनी राजनीति के लिए ये मत बोलिए कि गलियों से लाशें निकल रही थी इस बाजपुर में ऐसा दुर्दशा ना होनी चाहिए थी ना हुई थी और ना कभी भविष्य में होगी तो ऐसे शब्द का कम से कम आप प्रयोग मत करिए एक बात आपका विषय है आपको मैं पहले भाई आपका धन्यवाद करूंगा आपने ऐसा विषय लाया और मुझे लगता है कि ऐसा विषय अभी तक आया नहीं था कहीं भी आपके पास ऐसा कोई मेरे पास सुनिए अगर ऐसा कोई आपके पास तथ्य हो नहीं पुलिस भर्ती और... पहले उन्होंने पुलिस भर्ती पर सवाल उठाए की भर्ती आए लेकिन हुई नहीं पुलिस भर्ती में पुलिस भर्ती में पुलिस भर्ती आठ साल हो गए तो समझ लीजिए सत्रह से पहले नहीं तो आपने क्या किया फिर पुलिस भर्ती में हमें बता रहा हूँ चौबीस हजार हमारी भर्ती जो प्रक्रिया है वो वर्तमान में चल रही है अभी शिक्षकों की भी भर्ती पूरी हुई है पुलिस वाले भी होने वाली है और चौबीस हजार जो हमारे पास भर्तियां वो पूरी होने वाली हैं कितने, हो? हो? कितने दिन में होगी कितने दिन में होगी हाल फिलहाल में होने वाली है फिलहाल मतलब क्योंकि आचार संहिता भी हाल फिलहाल में तो उससे पहले होंगी उससे पहले होंगी और और शायद और भैया को मैं करेक्ट कर दूं करेक्ट कर दूं शायद उनको पता नहीं है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अरविंद पांडे जी के पास नहीं है तो अरविंद पांडे जी का जो आपने शब्द नहीं नहीं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घपले की बात कर रहे हैं वो उन्होंने कहा उन्होंने कहा लाजमी सवाल है उन्होंने कहा है लेकिन हमारे विपक्ष के लोग भी बैठे कोई भ्रष्टाचार का आरोप न पिछले हमारी केंद्र सरकार में लगा है न वर्तमान में लगा है न हमारी इस सरकार में भाजपा सरकार में उत्तराखंड में लगा है भाई साहब कह रहे हैं ऐसा कोई तथ्य है तो मुझे बाद में दिखा देंगे चलिए वो तथ्य भी दिखाएंगे सर आपने सुना सभी दलों को सबसे बड़ी चीज ये कि भाजपा तो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है वो कह रहे डबल इंजन दौड़ा नहीं रॉकेट की तरह चला है लगता है आपको चला है हाँ चला है बहुत अभी परसों को परसों हमारे बाजपुर के सारे किसान जो हैं वो सड़कों पर बैठे थे कि पोर्टल चालू कर दो हमारा धान अभी तक नहीं तुल पाया और लोगों का धान अभी तक तुला नहीं है उन्होंने आगे गेहूं भी बोनी है आप समझ सकते हो फिर उसकी कब पेमेंट आनी है तो अभी तक धान ही तुलवा नहीं पाई सरकार ये किसानों का तो आप समझ सकते हो कि कितनी तेजी से विकास कर रहे होंगे कितनी तेजी से निर्णय ले रहे होंगे भी अब आचार संहिता लगने वाली है किसान अभी ट्रॉलियों में धान लेकर के बैठे हैं वो अभी तक पोर्टल चालू नहीं किया है तो कब उसकी पेमेंट होगी क्या होगा तो मैं तो बेसिकली आपने किसानों के लिए बैठाया तो मैं ना तो कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ तो कितना लोग परेशान है उसकी पेमेंट कब मिलेगी धान की धान तुल नहीं रहा कब धान कैसे पैदा किया होगा अभी तक वो धान तुला नहीं है रोजाना भी मंत्री ने आश्वासन दिया था कि मैं पच्चीस हजार कुंटल जो है वो जल्दी से जल्दी उसको चढ़वा देंगे हम आपका सरकारी उसमें अभी तक पोर्टल ही चालू नहीं हुआ परसों धरने पर बाजपुर भगत सिंह चौक पर हमारे क्षेत्र के किसान धरने पर बैठे और उनको तीन दिन का समय दिया गया कि चल, चल जाएगा लेकिन अभी तक अभी तक तक मेरे ख्याल से पोर्टल चला नहीं सर पूछ रहे थे पोर्टल कब तक चलेगा सर कब तक चलेगा किसानों के लिए पोर्टल देखिए हमारे श्री जगतार सिंह बाजवा जी बहुत सम्मानित और बहुत ही श्रेष्ठ किसान नेता है और आपने बहुत कुछ हमारे साथ रहकर भी और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा भी जब हमारे साथ संगठन में आप रहे और सदैव आपके जो शब्द हैं आपकी जो वार्ता है हमारे इसलिए बड़ा सकारात्मक रुख देती है आपने जो विषय बताया है मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके जानकारी में भी होगा और पोर्टल वाला विषय जो है वो एक टेक्निकल फॉल्ट था जिसको मुझे कल जानकारी में आया कि तीन दिन पहले निपटा लिया गया था और आपने बिल्कुल ठीक कहा ऐसी टेक्निकल चीज़ें जो कंप्यूटर से चलती हैं वो चीज़ आपके और मेरे हाथ में भी नहीं होती आप और हम लोग जानते हैं लेकिन किसान तो पिसता है ना उसके बीच में किसान को ना पिसने दिया जाएगा ना पिसने दिया गया भारत सरकार धरने पे और... क्यों बैठना पड़ा ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको धरने पर बैठना पड़ गया अब देखिए मैं जगतार जी मेरे बड़े प्रिय बड़े भाई है मैं उनके विषय में तो नहीं कहूंगा लेकिन ये कहूंगा आजकल मुद्दा विहीन हो गए हैं तो हो सकता है कि कुछ ना मिला हो तो बैठ गए हूँ लेकिन ये है कि डिजिटल भारत में कुछ टेक्निकल चीज़ें कंप्यूटर की ओर से भी हो जाती है सर, वो आप तो डिजिटल इंडिया वाले हैं कि आपके डिजिटल इंडिया में हम सबसे आगे उसके बाद भी आप सबसे पीछे चल रहे हैं कि कोई फॉल्ट आ गया नहीं नहीं आपको मुझे लगता है कि किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है फॉल्ट आना ना आना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं हमारे आपके फोन भी हैंग हो जाते हैं लेकिन इस उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक विकास और पिछले सत्रह दो के बाद में हमारी सरकार ने जिस गति से कार्य करा है चाहे उस सड़कों के राजमार्ग हो चाहे चारधाम राजमार्ग हो चाहे हवाई यात्रा वाली बात हो हेलीपैड की बात हो हमारे यहाँ पर एक रुपये में आप यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे जहां पानी की व्यवस्था नहीं थी पूर्व की सरकारें कभी ये चिंता नहीं कर पाएं कि लोगों को हम बड़ी बड़ी बातें कहते हैं साठ साल सत्तर साल सरकार आगे को बढ़ गई लेकिन हम भूल गए कि व्यक्ति को हमारे यहाँ अतिथि देवो भवे में पानी सबसे पहले पूछा जाता है और पूर्व की सरकार ये भूल गई कि पहाड़ में रहने वाले लोग भी पानी को जरूर पूछना चाहिए वहाँ पानी का कनेक्शन नहीं था हमारी धामी सरकार ने यह व्यवस्था बना दी हमारे माननीय मोदी जी का आशीर्वाद से वो व्यवस्था बन गई अच्छा पानी पानी पहुंच गया एक रुपए में कनेक्शन व्यवस्था बना दी और अगर आप वहां जाकर देखेंगे तो पाइप लाइन घर तक पहुंच गई है ने ने सर, पानी नहीं आता था पहले बिल्कुल पानी छह छह महीने दो दो महीने पानी नहीं आता था और नीचे खींचकर वो पानी लाते थे आज दो दिन में एक दिन में पानी आने की व्यवस्था बनी है चूंकि मोटर और नीचे का बहुत बड़ा सिस्टम ऑपरेट हो रहा है और बहुत जल्दी पर और रोज का काम यहाँ पर जो पानी चाहिए होता है पानी नहीं सर आपकी जो योजना थी उसमें पाइप लगी है अभी सारे पहाड़ों में और उन पहाड़ों में उन नलों में पानी नहीं पहुंचा अभी तक मैं मैं, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ आप थोड़ा सल्ट में नहीं नहीं सर एक जगह है मैं आपको नाम लेकर ही बताता हूँ मैं ऐसा नहीं कि मैं हवा में कह दूंगा क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी की तरह ऐसा काम नहीं करूंगा कि वो ये कह दें कि साहब पानी लाएंगे और वो घर में पानी पहुँचा देते हैं आपदा में तो मैं वो वाली बात नहीं करूंगा लेकिन मैं ये कहूँगा कि मछोड़ एक जगह आप पहले वहाँ जाइएगा सल्ट के ऊपर थोड़ा जाइएगा अल्मोड़ा में भथरोज खाने की जगह आप वहाँ जाइएगा कुछ जगह पर आ भी गया है पानी सर हमें एक व्हाइट कागज में सिर्फ छोटा सा काला नहीं देखना चाहिए हमको एक व्हाइट पेपर भी देखना चाहिए जो सर मैं बताता बताऊँ मैं पूरा गढ़वाल मंडल का भ्रमण करके आ रहा हूँ पहाड़ के किसी गांव में पानी नहीं पहुंचा केवल नल पहुंचे हैं आपके और कहीं ऐसे गांव है जहाँ नल में तो नहीं पहुँचते हैं।, हैं ये तो मानते हैं पाइपलाइन पहुंची है पाइपलाइन का क्या करेंगे ये तो मानते हैं कि सिस्टम बन रहा है ऑपरेट हो रहा है ये तो पानी 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 मैं ये तो मानते हैं स्टोरेज हो रहा है एक बार हमारे साथियों से पूछिए कि उन्होंने पानी की तरफ चिंता करी जो मूलभूत आवश्यकता है ये बड़े-बड़े चुनौतियां दे रहे हैं लेकिन बुरा तो है, तो है तो भी नहीं मानते क्योंकि इनको इनकी पार्टी को सरकार चलाने का सिस्टम का पता नहीं है ये बातें लच्छेदार बहुत बढ़िया हमें भ्रष्टाचार करना नहीं आता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये बातों के जो लच्छेदार बातें घुमाने तो में बड़े तेज तो है तो आज तो ये जो एक मिनट जो एक ही सिक्के के पहलू हैं दोनों सरकार और भ्रष्टाचार के दोनों को एक ही मानते हैं इसलिए कहते हमको आता नहीं है, ठीक है आज हमारे इतने इतने बड़े डैम बन गए सारी सड़कें बिजली पानी सब कुछ और उसके बाद भी देश की जीडीपी डी कहाँ थी और इन्होंने करा भी कुछ नहीं और आज देश कहाँ पे है और सारा कुछ बिकने को तैयार है अभी भी ये मानने को तैयार अच्छा सर महंगाई एक महंगाई को लेकर मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं सभी लोगों से महंगाई से फर्क पड़ता है महंगाई से बिल्कुल फर्क पड़ता है 2014 में जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का था वो हजार रुपए का हो गया है एक साल में अगर हम घर के हिसाब से देखें तो 7000 रुपए सीधा-सीधा गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो गई है जो लई का तेल पचास रुपए लीटर था वो आज दो सौ रुपये लीटर है और अडानी जी का जो ब्रांड है हमारा उसमें उसका रेट दो सौ पिछहतर रुपए है ये दो चीजें और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी मैं सच्चाई आपके बीच में बता रहा हूँ हमारे बाजपुर में जो बिजली का बिल आज से चार साल पांच साल पहले एक महीने का दो महीने का जो बिल आता है वो चार सौ पांच रुपए पांच सौ रुपए होता था वो बिल इस समय तीन हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से आ रहा है तो महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है देश की स्थिति हो चुकी है कि आम नागरिक सरवाइव भी नहीं कर पा रहा है और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ मोदी जी जब युवाओं की बात करते थे आज युवाओं को रोजगार तो दिया नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लेकिन वो रोजगार अपना परिवार चला रहे हैं और भारत दुनिया का एक ऐसा देश बन चुका है जिसमें रोजगार युवाओं के पास बिल्कुल रोजगार नहीं और युवाओं के ऊपर ही महंगाई से भी फर्क है। पड़ा भी है और आम हमारा घर के रसोई का काम नहीं चलने वाला इतनी महंगाई हो गई है बाकी हमारे भाई छोटे गौरव जी ने कुछ सबका विकास और सबकी बात कहने की बात कही थी उसके बारे में दो बातें बताना चाहता हूँ ग्राम में ये, जाके नहीं देख पाते। ये जब... तो कह रहे कि नल पहुंच गया, पानी पहुंच गया गया पानी ना हमारे यहाँ नल है अभी लगा ना हमारे यहाँ टंकी का पानी आया है ना हमारे यहाँ आरसी है ना ही अभी हमारे शौचालय मिला है जो कहते हैं शौचालय मुक्त हो गया इन्हें कोई पता नहीं गांव में जाके क्या विकास है क्या नहीं है वही बड़े ठेकेदार यहाँ बनते हैं जो विधायक बन के चले जाते हैं उनसे कोई विकास होने के नहीं उनके ठेकेदार चुगलिया वो साथ होते हैं और ये कहते हैं विकास होता है ये डबल इंजन की सरकार इस बार फेल है नहीं आ पाएगी नहीं आ पाएगी ठीक सर आप कुछ कह रहे पानी की पाइपलाइन के संबंध में गौरव भाई ने जैसा बताया बाजपुर में मैं समझता हूँ तीस से चालीस पचास परसेंट पर तक लाया गलियों में पानी की पाइपलाइन नहीं है

बिल्कुल और बड़े बड़े सर हुए बहुत बहुत तगड़े इन्होंने वो करवाए पटवारियों से मिल मिल के एक भी बंदे को उसका नुकसान का मुआवजा नहीं मिला एक भी किसान को और जो इन्होंने जिसे मिले चेक मिले चेक भी बाउंस हुए जो हमारे यहाँ चेक बांटे गए चेक बाउंस हुए, चेक भी हुए। और, हो और सर एक बात और करना चाहता हूँ अभी तक धान की पेमेंट नहीं दी गई है और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि किसानों की आय 2021 में दुगनी कर देंगे इसका मतलब हमारी जो पेमेंट रुकी हुई है धान की इसका मतलब हमें फिर अब चार हजार का रेट मिलेगा इसका जवाब कोई? कोई हैं तो वो मोदी सरकार की देन है बीजेपी की सरकार की देन है जो आज हम बचे बैठे हैं सर आप मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब यशपाल आर्या जी थे विधायक हमारे और मंत्री जी भी थे उस टाइम पे आम जनता को तो कोई

किसानों के तो आपने भुगतान नहीं किया बरसात के समय में बड़ा नुकसान हुआ चेक जो दिए बाउंस हो गए गए चेक चेक पैसा गया उन देखिए मुझे पहले तो जानकारी में नहीं था कि यहां पे आपने लोगों को ही बुलाना था नहीं तो मेरे लोग जो या, या आम जनता यहाँ पर होती तो वो सर्वाधिक बोलने का काम करती और सही बात बोलती नहीं तो इनके ये झूठ बोल रहे हैं कि चेक इनके बाउंस इनको झूठ नहीं कहा कि जनता और आती है तो जनता सच बोलती है इनके इनके चेक चेक का बताइए भाई साहब ने जो चेक की बात कही है तो मैं आपको बता दूं कि पूरे बाजपुर के अंदर जब पहली बार ऐसा प्रकरण हुआ कि जिसमें आपदा जब घर घर तक पहुंची पानी जब घर घर तक पहुंचा तो हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री घर नहीं बैठे ए में नहीं बैठे उन्होंने ट्रैक्टर पर बैठकर भी गांव गांव में गए उन माँ के पास गए जिसके आंसू अपनी आंखों से अपने हाथों से पहुंचने थे वो उस बहन उस भाई उस बेटे तक पहुंचे जो शायद अपने आप उठकर खड़ा होना चाहिए था तकलीफ भाई साहब आपके हिसाब से नहीं मैं अपने हिसाब से बोलूंगा नहीं सर वो उनका जवाब ये है कि हमारा हमारे चेक बाउंस हो गए अब इनके चेक बाउंस हो गए इनके चेक बाउंस हो गए मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरे बाजपुर के अंदर अगर एक एक गली में एक एक बाढ़ में एक एक क्षेत्र में जाकर सबको चेक मिले हैं और दो बार एक कह रहे तहसील में बैठे हजारों लोग जिनके चेक बाउंस हुए देखिए मैं मैं अब इनको करेक्ट कर दूं मैं खुद तहसील में गया हूं मैं तहसील में खुद गया हूं मैं खुद बैठा हूं मैंने खुद लोगों से मिला हूँ माननीय तहसीलदार मतलब आप मानते हैं कि चेक बाउंस हुए बैठा हूँ मतलब मैं उसमें धरने पे नहीं बैठा हूं, हूं। यानी कि यह कि निगरानी में सारी चीजों को देखा कोई चेक बाउंस नहीं हुआ चूंकि मुद्दा विहीन लोग हैं कुछ लोगों के द्वारा चीजों को गढ़ा जा रहा है कि इस धामी सरकार को इस युवा मुख्यमंत्री को एक एक अनुभव वाले एक लोकप्रिय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को कैसे रोका जाए कैसे उसको थामा जाए ऐसा कुछ लोगों की मनगणन कहानियां नहीं तो आप सोच कर देखिए इससे पूर्व में जितने भी मुख्यमंत्री आए या तो वो शराब के सेंडल में पकड़े जाते थे या विधायक में पकड़े जाते थे इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस युवा मुख्यमंत्री ने लोग घर घर जाके लोगों के आंसू पहुंचे और जिस आपदा की आप बात हैं जिस आपदा की आप बात कह रहे हैं उस आपदा के अंदर लोगों को चेक बटे हैं मैं नौ सौ चौरासी चेकों का गवाह हूं आप अगर क्षेत्र में जाएंगे तो आप लोग बताएंगे हाँ लोगों के, लोगों को चेक नहीं बटे होंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो पूर्व की भाती जो नेताओं के सारे पे और विधायकों के सारे पे ये कहते थे इनको चेक दे दो बिल्कुल नहीं मिलेंगे इनको चेक और मिलने भी नहीं चाहिए थे लेकिन आप कई लोग कह रहे हैं चेक मिले हैं लेकिन चेक बाउंस हो गए देखिए अगर इनके पास अगर इनके पास है तो ये दिखा दें मैं तो कहता हूं अभी आपके सामने कहता हूं दिखा दें मुझे फोटो होगी इनका वो दिखा दें कहने से नहीं सर हम बातें करने नहीं आए हम काम करने आए लेकिन मैं आपको दावा करता हूं कि मैं इस बाजपुर के अंदर आपको गली गली में ऐसी माताओं को इनके ऐसी बहनों को और ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं जो कि धामी जी ने करके दिखाया बातें नहीं करी करके करके दिखाया धामी जी ने दिखाया सर आप कुछ कह रहे थे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि धामी जी से पहले के सारे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे क्या खंडूरी जी और रमेश पोखरियाल भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे आपने कहा था अब मैं कहता हूं कि अब मैं कहता हूं रिकॉर्ड हो रही बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है जी जी मैं रहा हूं कि चार साल तक चार साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे मुख्यमंत्री थे फिर एक न्यूज चैनल ने पूरे देश में सर्वे करा और उन्होंने बताया सर आप भी जरा सुन ली फिर आप जवाब देना

मैं ये कह रहा था कि तीन-तीन मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े? आ, पहले पहले सवाल का जवाब देता आपके आपने कहा जनादेश जनता के सामने माफी मांगना हमेशा कोई भी व्यक्ति कोई भी संगठन कोई भी पार्टी जनता से बड़ा नहीं होती और माफी मांगना और जनता के आदेश को मानना हमारा प्राथमिकता और माननी ही चाहिए दूसरा विषय जो दिंदयाल जी ने कहा दिंदयाल जी आप आम आदमी पार्टी पर ध्यान ज्यादा दें त्रिवेंद्र जी को कैसे हुआ भारतीय जनता पार्टी में कैसा हुआ आपको उसकी ज्यादा चिंता है आपको चिंता है इस बात की होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी सरकार जो यहाँ पर बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़े निर्णय को लेकर और यहाँ पर फ्री की व्यवस्था लाने चाह रही है उत्तराखंड सरकार में सब लोग मेहनत का से लोग हैं अपना काम करना जानते हैं और सब लोग अपने स्वाभिमान के साथ जीते हैं यहाँ फ्री वाले नहीं यहाँ आप सब लोग जो हैं वो कर्मशील लोग हैं कर्म कर्म करना जानते हैं इसलिए दीनदयाल जी आपके उन बातों को तो मैं बिल्कुल नकारता हूँ जिन विषय को आप कह रहे हैं त्रिवेंजी वाले विषय को यहाँ सब कर्मी योगी है चलिए सर एक 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 सवाल एक सर मैं किसानों से जुड़ा हुआ सवाल ले लूंगा सर बीजेपी के नेता कहते हैं कि जो चेक बाउंस हुए किसानों को दिए गए मुआवजा वो झूठ बोल रहे हैं जो सत्य लोग थे जो असली में किसान थे उनको चेक मिले वो उनको चेक भी क्लियर हुए और उनको भुगतान भी किया गया लगता है क्या ऐसा हुआ है नहीं अगर असली को चेक मिले और भुगतान हुआ तो इसका मतलब फिर जिनके चेक बाउंस हुए वो असली नहीं थे वो कह रहे हैं हमें दिखा दीजिए कोई हुए तो। कह रहे हमें हमें दिखाई हम करवाते हैं उन्हें क्लियर ठीक है वो वो, वो वो उनका कहना ठीक है कि अगर जो नहीं हुए हैं तो उनको जिन्होंने बात उठाई वो क्लियर कर देंगे और उनको करना चाहिए लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी सत्यता को नकारते क्यों हैं तुरंत उन, उनको ये कहना चाहिए था कि अगर ऐसा कोई विषय है तो हम उसको चेक करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे एकदम जनता जनार्दन की बात को नकार देते हैं कि साहब ये तो झूठ बोल रहे तो भारत देश की जनता झूठ बोल रही है आज भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं ये ये पूरा देश देख रहा है और देश का मजदूर किसान देख रहा है नौजवान देख रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से झूठ पर टिकी हुई है आप देखो उत्तर प्रदेश को लो उत्तराखंड को लो उत्तराखंड में तो एक मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कह दिया था कि यहाँ तो बेरोजगारी की दर जो है वो माइनस में है और मतलब यहाँ कोई है ही नहीं बेरोजगार आप समझ सकते हैं तो इसका मतलब वो भी सच्ची होगा फिर आज हमारे साथी ये कह रहे हैं कि साहब वो भी झूठ बोल रहे हैं तो इनके बारे में मैं यार बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता इस समय हम क्योंकि किसानों के मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते हमें यार एक साल तो लगातार हो गया अब और क्या कहें अगर अभी भी इन्हें समझ में नहीं आई कि इनका मंत्री रात के ग्यारह बजे उन कानूनों के फायदे गिनवा रहा है और सुबह इनका प्रधानमंत्री आके कह रहे हैं मैं वापस लेता हूं आप यहीं से समझ लो और आज भी कल एक इनके मंत्री ने कहा कि तीनों कानून फिर वापस आएंगे वो कल की अखबार में आया आज की अखबार में आया ना, नाना ऐसी तो कोई योजना ही नहीं है अब सच कौन बोलता है ये सारे जानते चलिए सर सच कौन बोलता है ये सभी जानते हैं सर मेरा एक सवाल है यशपाल आर्य जी लड़ेंगे इस विधानसभा सीट से ये तो सीनियर नेताओं के डिसीजन के ऊपर है ये हम इसमें नहीं बोल सकते नहीं आप आप उनके आप उनके साथी हैं आप चाहते हैं वो लड़े ना नहीं एक मिनट यहाँ पे जो भी पार्टी का कैंडिडेट आएगा ये जो ये कमेटी बनेगी वो उन्होंने डिसाइड करना नहीं, नहीं सर आप समझे नहीं।, नहीं मेरा कहने का मतलब है कि विकास कार्य वो कह रहे हैं हम यहाँ रहे क्या वो लड़ेंगे इसके बाद पहले तो मैं ये पहले तो मैं ये जवाब देना चाह रहा हूँ जो अभी किसानों की सब चीज चल रही थी इसमें मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस अगर कोई बात कमिटमेंट करती है मुंह से निकालती है तो वो पूरी करती है और ये भाजपा सरकार ने जो भी

क्योंकि वो निजी स्वार्थ की के कभी भाजपा में जाते हैं कभी कांग्रेस में जाते हैं और ये लोग खुल के नहीं कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे हो सकता कल को भाजपा में चले जाए लो ये लोग रोक नहीं पाएंगे क्या सही बात है सर ये जी कि यशपाल आर्य जी फिर भाजपा में चले जाएं अब ये भाजपा वालों ने पार्टी तो बना दी है क्या भरोसा किसका क्या ने ने सकते हैं ये तो अभी ये आ नहीं सकते इनके इंडिविजुअल नहीं है नहीं तो आप ये बताइए वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे से तो इनके पहले ये विरोध करते थे फिर उसी में अच्छाई दिखने लगती है तो मैं भाजपा की तो उन्होंने क्या अलग ही इनका दाना नहीं ना नहीं ना सर आप मेरे सवाल सुनिए कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इस सीट से ये तो डिसाइड करेगी ऊपर की कमेटी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे कहीं लड़ेंगे। से लड़ेंगे नहीं नहीं कांग्रेस जन क्या चाहते हैं आगे कांग्रेस जन तो वो चाहते हैं जो सीनियर टीम डिसाइड करेगी जिसको टिकट मिलेगी उसको लड़ाया जाएगा और वो टिकट डिसाइड होगी सारी जनभावनाओं को देखते हुए यानी कि यानी कि यशपाल आर्य यहाँ से इस बार पलायन करेंगे ये साफ हो चुका है क्योंकि जनभावना तो नहीं चाहती यशपाल आर्या से चुनाव लड़े कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस विधानसभा सीट पर कुल मिलाकर एक बड़ी चीज ये है कि इस विधानसभा सीट पर जनता क्या चाहती है एक बार उनसे वो भी राय ले, ले लेते हैं सर आप क्या कह रहे हैं क्या चाहते हैं यशपाल आर्या लड़ेंगे यशपाल आर्य जी के बारे में बताना चाहता हूँ हमारे उत्तराखंड में दो बहुत बड़ी आपदाएं हुई हैं एक है केदारनाथ आपदा और उस समय जब केदारनाथ आपदा हुई तो राजस्व मंत्री हमारे बाजपुर के जो पूर्व विधायक रहे हैं है, वह रहे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है देवों की भूमि कहा जाता है केदारनाथ आपदा के माध्यम से देवभूमि को कलंकित करने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो वो हमारी बाजपुर से विधानसभा से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं पहली बात दूसरी चीज 2017 में एनएच घोटाला हुआ पूरा देश जानता है कि उसी घोटाले की वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा एन मौके पर जिसमें 40 साल तक उन्होंने काम किया और भाजपा में चले गए भाजपा ने भी बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह काम किया जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी था उसको टिकट दे दी और उन्होंने चुनाव जीता इसी चीज का नहीं नहीं सर आप चाहते हैं कि यशपाल आ रहे हैं इस बार चुनाव आजपुर की जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि यशपाल आ रहे हैं यहाँ से चुनाव लड़े पूरा बाजपुर उनके विरोध में है आप आप चाहते हैं नहीं चाहते बिल्कुल बिल्कुल इसका बिल्कुल इनका विरोध होगा डट के हम नहीं चाहते का स्थानीय विधायक होगा इस बार जो ठीक आप चाहते हैं हमें पचास किलोमीटर दूर वाला विधायक नहीं चाहिए हमें स्थानीय स्थानीय विधायक विधायक चाहिए का। विधायक चाहिए का का लोकल सर आप आपकी क्या मांगे जो शिक्षा की बात करेगा स्वास्थ्य की बात करेगा रोजगार की बात करेगा वो बाजूर का विधायक होगा यशपाल आ अब कोई भी व्यक्ति हो कोई भी व्यक्ति हो आप क्या चाहते हैं सर हमें स्थानीय विधायक चाहिए और आप सर जो बाजपुर के हितों की रक्षा करेगा आप हम ये चाहते हैं जो आम जनता से जुड़े डायरेक्टली और चाटु से यहाँ की जनता को मुक्ति चाहिए सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों मैं गौरव भैया से एक सवाल कहना चाहूंगा गौरव भैया जब विकास पुरुष बोले बोलिए कांग्रेस में थे तब आप उनको बोलते थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं जब आपके उसमें आए बीजेपी में एकदम एकदम तो मतलब आप एक तो मोदी जी ने बोला था कि मैं इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करूंगा और आपकी सरकार बोलती है कि मैं अपने राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दूंगी तो आप ऐसे विधायक को विधायक के लिए टिकट दे रहे हो ऐसे व्यक्ति को जो कांग्रेस में एक राज्य

इसके साथ ही 2022 में फिर यहां भाजपा अपना प्रचम रह आई लेकिन देखना होगा कि इस बार इस विधानसभा सीट में क्या अलग कल कर आता है क्या यशपाल आर्य इस सीट से पलायन करते हैं या फिर यहीं से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचते हैं तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत नमस्कार